परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे वंदे परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं एवं बहनों, अभी अभी हमने पर्युषण पर्व की आराधना की। श्वेतांबर परंपरा में 8 दिवसीय पर्युषण पर्व संपन्न हुआ और दिगंबर परंपरा में 10 दिवसीय कार्यक्रम अभी चल रहा है। पर्युषण में हमने क्षमा और मैत्री का महत्व क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना और सबसे क्षमा याचना भी की। आज इसी विषय को लेते हुए हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम क्षमा के महत्व को और अधिक गहराई से समझेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। क्षमा और मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। और जितने भी भाई बहन जुड़े सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन किए करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम की ध्वनि के साथ मंजू जी का स्वागत वेलकम करेंगे। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, ओम अरहम, ओवर टू यू। ओम अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरु। अप्पा कत्ता विकत्ता ए दुहाणिये सुहाणिये, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठिये। हमारी आत्मा ही करता है और भोगता है, हमारी आत्मा ही हमारी मित्र है, हमारी आत्मा ही हमारी शत्रु। कौन सी आत्मा मित्र है? शुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त आत्मा हमारी मित्र है, अशुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त आत्मा हमारी शत्रु। तो जब मैत्री की बात आती है, क्षमा की बात आती है, तो हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? स्वयं से। और हम स्वयं से शुरुआत करें, इसीलिए पर्व पर्युषण है, संवत्सरी का पर्व मनाया जाए। हम स्वयं अपने दोषों की आलोचना करते हैं,
हमारे ज्ञान, दर्शन और चरित्र से कोई भी दोष लगा हो, हमारी मन वचन काया की कोई भी अशुभ प्रवृत्ति हुई हो, हमने स्वयं को दुख पहुंचाया हो, दुख पहुंचाया हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले तो मिच्छामि दुक्कड़म। मिच्छामि दुक्कड़म यानी मेरे द्वारा किए हुए पाप या अशुभ कर्म क्या हो, मिथ्या हो। हम मैं उनकी आलोचना करता हूँ कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था। मैंने उनकी समीक्षा की, जो साल भर मैंने गलत काम किए उनको मैंने वापस री रिमेम्बर किया, याद किया, मैंने ये किया, मैंने उनकी आलोचना की और फिर क्या प्रार्थना की कि मेरे सारे कर्म मिथ्या हो, है ना। यानी मैंने अपने आप को हल्का किया, अपने प्रति मैंने क्षमा याचना की, अपनी आलोचना की, समालोचना की और स्वयं को हल्का बनाकर पापों के कर्मों से मुक्त होकर मैं हल्की हुई और तैयार हुई कि मैं दूसरों से भी माफी मांग सकूं, दूसरों को माफ कर सकूं। और इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें स्वयं को क्षमा करना है। सोचिए अपने विषय में, निरंतर हम अशुभ परिवर्तियां करते रहते हैं, करते रहते हैं, कषायवश, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, राग से, द्वेष से, है ना, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जब तक जागरूकता नहीं है, हमें होश ही नहीं है कि हम कर हर क्षण हम कुछ ना कुछ इच्छाएं करते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, क्या हो रहा है? क्या कभी स्वयं से मांगते हैं दिन भर में कि मैं अपनी आत्मा पे वापस कर्म मन लगा, मैं अपनी आत्मा से, अपने आप से माफी मांगू? तो ये प्रतिक्षण जो हमें जागरूक रहना है, बिना जागरूकता के हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने मित्र हो पा रहे हैं? ईच एंड एवरी मोमेंट कर्मों को आकर्षित कर रहे हैं, आत्मा पे कवरिंग लगाते चले जा रहे हैं। तो हमें अपने आप से क्षमा मांगनी है, और क्षमा मांगने का ये मतलब नहीं है कि बस आप क्षमा मांग ली, एक साल खत्म, अगले साल फिर मांगेंगे और साल भर करते चले जाएं, नहीं। तो प्रतिक्षण अपने प्रति जागरूक रहें और अपने आप से क्षमा मांगते रहें। कोई भी काम प्रवृत्ति कर रहे हो, क्या करूं, हो गई, मिच्छा में दिख रहा, ये तरीका है स्वयं से माफी मांगने का। तो जब साल भर में भी आप स्वयं से माफी मांगते हो, हम प्रतिक्रमण करते हैं, और प्रतिक्रमण में क्या है, अपने ही ज्ञान दोषों के प्रति आलोचना, और फिर ये प्रार्थना करना, ये भावना रखना कि ये सारे पाप मेरे मिथ्या हो। पर ऐसा कब होगा, कब होगा ऐसा? जब हम अपने प्रति जागेंगे, जागरूक रहेंगे अपने प्रति, अपने कर्मों के, अपने क्रियाओं के प्रति क्षण क्षण जागरूकता मांगती है आत्मा, तो ये वह स्वयं से स्वयं के प्रति माफी मांगते जो हम प्रतिक्रमण में करते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरों। खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु मे, मैत्री में सर्व भूयेषु वैरं मज्जन अक्षिणी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें, सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु। हमने पहले क्या कहा, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। ऐसा कब संभव है, जब हम स्वयं के पापों की आलोचना कर लें, उनका मिच्छामि दुक्कड़म करें, तब हम इस काबिल होते हैं, इतने सरल होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि हम दूसरों को माफ कर सकें। पर जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं, हमें अधिकार ही नहीं है कि हम माफी मांगे, कामना नहीं, ये बिल्कुल बेमानी बात है। भीतर में उनके प्रति आप क्लेश लिए हुए बैठे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको माफ कर दें, नहीं, ये संभव ही नहीं। आत्मा आत्मा को जानती है ना,
आवरण है इसलिए प्रकट नहीं कर पा रही है, पर भीतर आत्मा हमारी जानती है। इसलिए पहला स्टेप क्या है, दूसरों को माफी दो, माफी दो, स्वयं बिल्कुल निर्लिप्त हो जाओ, निर्मल हो जाओ, सामने वाले से फिर माफी मांगो, तब सचमुच आपका हृदय माफी मांग रहा है। ये बात सामने वाले की मर्जी है, वो हमें माफ करे या न करे, लेकिन हमने माफ कर दिया, हमारा काम वही समाप्त, हमने माफी मांग ली, हमारा काम वही। अब वो नहीं करे तो उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं, कोई नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि तो आप ऑलरेडी उसे माफ कर चुके हो। पर ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से। हम क्या कहते हैं, हमने तो खमत खामना कर लिया, वो तो नहीं कर रहा है। नहीं, आपने खमत खामना ढंग से किया नहीं, किया होता तो पलट कर आने वाली बात ही नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। वो करे नहीं करे ये उसका मानसिकता है। हमने अगर क्षमा कर दिया तो हमारे मन में अब उसके प्रति कोई लहर नहीं उठेगी, कोई द्वेष की लहर नहीं उठेगी, ये हमारी मानसिकता ही नहीं रहेगी कि वो हमें माफ क्यों नहीं कर रहा है। करेगा जब वो समझेगा, निश्चित करेगा, करना ही होगा। तो ये जो है मैत्री और क्षमा, अब बात आती है क्षमा और मैत्री। बिना किसी शर्त के समर्पण देना ही मैत्री है। अगर कहीं है तो वहां मैत्री नहीं हो सकती है। शर्त का क्या है, वो तो समय सापेक्ष है। आज जिस भाव में या जिस वातावरण के अनुसार हम कोई शर्त रख सकते हैं, समय बदलेगा, शर्तें बदल जाएंगी, तो ऐसी दोस्ती नहीं टिकेगी। दोस्ती है निस्वार्थ भाव से समर्पण, बिना किसी शर्त के समर्पण। समर्पण यानी मैं तेरी मैत्री, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, अब तुम मेरे साथ जो कुछ भी करो, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। और ऐसा ही होता है, आप सोच के देखिए, अगर आपका कोई मित्र है, कभी वो आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी करता है तो हंसी में टाल देते हो, चलो कोई बात नहीं कर दी। और वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपके मन में मैत्री नहीं है ना, सद्भावना नहीं, वो अगर आपके लिए अच्छा भी कहेगा तो आप बोलोगे नहीं, ये सब दिखावटीपन है, उसका कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो होता क्या है कि मैत्री कब होती है, जब हम हमने स्वयं को उसके लिए समर्पित कर दिया। मैं तुम्हारी मित्र हूं, तुम मेरे हो या नहीं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैंने समर्पण कर दिया तो उसको करनी ही होगी मुझसे मैत्री। लेकिन मैत्री भी हमारे स्वार्थ पे टिकी है, लेन देन पे टिकी है, तो वो मैत्री कैसे संभव हो, बताइए। तो मैत्री बीच में जो कुछ भी रहे, पहला पॉइंट है फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना, दूसरा पॉइंट है डेडिकेशन यानी समर्पित हो जाना। अगर ये दो पॉइंट किसी के लिए आपके जीवन में है तो वो हमेशा आपका मित्र है और रहेगा। तो मैत्री और क्षमा हम देखें तो एक ही सिक्के के दो पहलू, जहां क्षमा है वहां मैत्री है, जहां मैत्री है वहां क्षमा है। अब लोग कहते हैं क्षमा तो हम किससे माफी, हम माफी क्यों मांगे, हम छोटे नहीं हो जाएंगे माफी मांग लेने से। जैन धर्म ने क्या कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा वीरों का आभूषण है। आप में अगर शक्ति है क्षमा करने की, कौन सी शक्ति, शारीरिक बल नहीं, मनोबल और आत्मिक बल। क्षमा वही कर पाते हैं जिनका आत्मिक बल मजबूत हो, जिन्हें अपने कर्मों पे भरोसा हो, है ना, जिनका मनोबल मजबूत हो। कौन क्या कर रहा है ये उसके अपने कर्म है, उसका अपना स्वभाव, उसके अपना धर्म क्षेत्र काल भाव है, लेकिन मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, उसके प्रति मैं पूर्ण जागरूक हूँ। तो क्षमा वीरों का भूषण है। लोग क्या कहेंगे, कमजोर हो क्या, माफी मांग रहे हो। मैं कहती हूँ कभी एक बार ऐसा करके देखो, कोई व्यक्ति आपको हराना चाहता है, उसके मन में आपके प्रति द्वेष है, कंपटीशन है कि वो आपको हराना ही चाहता है, आप क्या करो, हाथ जोड़ के उसे बोलो
मैं तो हारा ही हुआ हूँ आपसे। एक बार ऐसा करके देख लेना, कोई व्यक्ति आपको हराने के उद्देश्य से, चाहे वो किसी भी प्रकार का युद्ध हो, है ना, प्रतियोगिता कुछ भी हो, ऐसा लगे कि वो आपको हराने के लक्ष्य से आया है, अहंकार से भरा हुआ आया है, तो क्या करना आप? सोचना ही मत, वो समझता क्या है अपने आप को, देखता हूँ वो मुझसे कैसे जीतता है। नहीं, एक बार जीवन में कभी उसके सामने हाथ जोड़ के बोल देना, देखो मैं तो हार ही गया हूं आपसे, आप जीते मुझसे। एक बार ऐसा करके देखना, मैंने किया है ऐसा कई बार, क्या होता है, सामने वाले के मन में आपके प्रति जो द्वेष था, अपने लिए जो अति अहंकार था, तुरंत विसर्जित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आपको हराने में जो आनंद आता, असली चीज वो था। तब उसका अहंकार पुष्ट होता कि मैंने उसे हराया, आपके हार मान लेने में उसकी जीत नहीं है, उसकी बहुत बड़ी हार है। क्योंकि उसका अहंकार तो कब पुष्ट होता, जब वो आपके साथ द्वंद करता, फिर आपको पराजित करता। लेकिन आपने ये क्या कर दिया आपने, और इसमें हमारी हार नहीं, हमारी जीत है। क्योंकि सामने वाले को आपने जो अहंकार से मुक्त किया, अगर वो सजग रहा तो अहंकार से मुक्त हो जाएगा, तो छोड़ देगा अपने ईगो। क्योंकि कोई व्यक्ति सब सब तरह से होशियार नहीं होता है, किसी चीज में कोई दक्ष होता है, किसी चीज में कोई दक्ष होता है। तो ये जो क्षमा और मैत्री है, ये बहुत बारीक चीजें हैं, इनकी गहराई को समझेंगे अगर हम स्वयं स्वयं से मैत्री कर पाएंगे। और जिस दिन हमने स्वयं स्वयं से मैत्री कर ली, ऑटोमेटिक हमारे सारे मैत्री तो हो ही जाएंगे। अब इसी क्षमा के और मैत्री के संदर्भ में हम थोड़ा सा अपने जीवन का अवलोकन करें। ये तो स्थूल बातें हैं, मनुष्य का मनुष्य के साथ कैसा होना चाहिए, ये सारे पर आप क्या मानते हो कि हमारा जीवन केवल मनुष्यों से ही चल रहा है, मनुष्यों के आपसी आदान प्रदान से ही जीवन चल रहा है, क्या और किसी भी जीव की कोई अहमियत नहीं है हमारी लाइफ में? हम जैन हैं, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, सभी जीवों से क्षमा की बात सोचते हैं। तो मनुष्य में तो मनुष्य तो केवल मनुष्यों से माफ, समस्त सृष्टि से, समस्त लोक से माफी मांगते हैं। क्यों क्यों ऐसा? पहला पॉइंट कि हम अनंत अनंत काल से इस जन्म में, जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हमने जन्म मरण नहीं किया। प्रत्येक जीव से हम अनंत अनंत बार जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, और जब जुड़े हैं तो उससे लेन देन भी हमारा हुआ, निश्चित हुआ है ना। ये तो गहरी बात होगी। अब वर्तमान में आए व्यवहारिक की बात सुने, हमारा जीवन किससे चल रहा है? सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों की हिंसा पर हमारे जीवन का महल खड़ा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, क्या इन पांचों जीवों के बिना जीवन संभव है? बिल्कुल। एक मनु आप कहीं चले जाओ, कई फिल्में देखी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी, में चला जाता है, वहां कोई मनुष्य नहीं, जी फिर भी जी लेता है वो। नहीं, मनुष्य की हमारे जीवन में अहमियत है, मैं नहीं कहूंगी नहीं, लेकिन उनके बिना जीना भी संभव है। बिल्कुल, आप अकेले जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या इन सूक्ष्म जीवों के बिना संभव है जीवन? बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचिए, अनंत अनंत जीवों की हिंसा से हमने अपना एक जीवन बचा रखा, क्या उनसे हमने कभी क्षमा याचना की? उनसे तो हर समय क्षमा याचना बनती है हमारी, हर समय, डेली पानी पी रहे हो, डेली भोजन कर रहे हो, डेली कपड़े पहन रहे हो, है ना, क्या
वायु के जीवों की हो रही है, अग्नि जीवों की हमारी उपयोगिता हो रही है। अनंत अनंत जीव, एक दो नहीं, मनुष्य को तो हम अंगुलियों पे गिन लेंगे वर्तमान में कि कितनों से जुड़े हैं, लेकिन क्या इन सूक्ष्म जीवों का कोई भी और थोर है? इसके बाद ऊपर आइए, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, कितने डायरेक्ट पंचेंद्रिय सर, तिर्यंश, कितनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये हमारे हेल्पफुल है। दूध पी रहे हो कहाँ से, है ना? इसलिए मुझे लगता है वैदिक दर्शन में गाय की पूजा होती है, उसे माता माना जाता है। आज जो वेजिटेरियन है, अगर उनके जीवन से दूध निकाल दिया जाए ना, तो जीव के सारे स्वाद खत्म हो, बिल्कुल सारे स्वाद खत्म है, मान के चलिए। तो हम अनेक अनंत अनंत जीवों के सहयोग से हमारा जीवन सुखमय है, जीवन की गति है, जीवन जी रहे हैं। तो हमें गहराई से एक एक जीव के प्रति जागरूक रहते हुए उसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए, और उससे पूरी करुणा से भर के कि आपके बिना, आपकी हिंसा के बिना मेरा जीवन संभव नहीं, मैं लाचार हूं, किस बात पे मैं गर्व करता हूँ? उनका जीवन मेरे बिना संभव है, लेकिन मेरा जीवन सूक्ष्म जीवों के बिना संभव नहीं। फिर भी मनुष्य को अहंकार देखिए, मनुष्य तो वही जिसमें मान है ना? ये मान किस बलबूते पर अपने अहंकार से नीचे उतरे? देखें कैसे सूक्ष्म जीवों के हम क्या हैं, आश्रय से जी रहे हैं। अपने भीतर करुणा लाइए, उनका एहसान मानिए कि उनको, उनकी मान लिया वो कमजोर है, उनकी हिंसा करेंगे वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आचारान सूत्र का सबसे पहला अध्याय उसी में लिखा है कि इन पांच जो ये एकेंद्रीय जीव है, स्थावर जीव है, उनको भी काटने पीटने मारने से वैसा ही दर्द होता है जैसा हमें। भगवान महावीर की वाणी को आप कभी पढ़ेंगे आचारान सूत्र में, तो हृदय कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी। उस वक्त जब कई बार मैंने अनुभव किया, डेली सब्जी सुधारते हैं, जैसे चक्कू हाथ में लेते हैं और वो अगर याद आ जाता है, तो ऐसा लगता है इन पे चक्कू लगाएं कि नहीं लगाएं। ये भी चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, जल के जीव, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं। तो इसीलिए जैन दर्शन में संयम की बात कही कि जितनी हिंसा उतना पाप, हिंसा में तो पाप ही है, धर्म कैसे होगा? लेकिन अगर हम संयम कर लें, हम जरूरत जितना ही उपयोग में लाएं कि भाई मैं जीवन का मोह नहीं छोड़ सकता हूँ, मरने की इच्छा नहीं करता हूँ, लेकिन जीने का मोह भी नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए आवश्यक ही हिंसा है, करनी होगी, लेकिन भीतर करुणा, करुणा का भाव, जागरूकता रहे इनके भीतर। जैन दर्शन का पूरा सार केवल जागने में है, जागो। मनुष्य मनुष्य को केवल जागने की प्रेरणा दी है, जागो जागो और देखो, देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या है क्या नहीं, है ना? हम शाब्दिक ढंग से केवल धर्म करते हैं, उससे कुछ नहीं हो, हमें जागना होगा, समझना होगा अपने ही जीवन को, कहीं भटकी आपके खुद के जीवन को पढ़ने से बड़ी और कोई पुस्तक नहीं। क्षण क्षण देखिए जानी, चलिए जानने के लिए हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते हैं। प्रेक्षा यानी देखना, स्वयं स्वयं को देखना। तो आइए अब हम मैत्री की अनुप्रेक्षा करेंगे। जब आप अनुप्रेक्षा करें, अपने ही जीवन का अवलोकन करें, किसी और शब्दों की कहाँ कहाँ मैं हिंसा करता हूँ और क्या स्वयं से क्षमा मांगता हूँ? अपनी आत्मा को मैं नरक में धकेलता जाता हूँ, क्या उससे कभी क्षमा मांगता हूँ? डेली तो मैं यही कर रहा हूँ, इच्छाएं कर रहा हूँ, आपकी इच्छाएं दोबारा जन्म मरण करेंगी, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, करते रहना अनंत अनंत काल से कर रहे हो, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए जन्म मरण कर रहे हो। तो अपने प्रति जागना है, स्वयं को देखना है। तो ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाए, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें,
श्वास की गति को मंद कर ले, मंद कर ले, मन की चंचलता को नियंत्रित करें। केवल आंखें बिना दबाव दिए कोमल पसीने, इस बाहर के लोग से आंखें मूंद ले, केवल अपने आप में स्थित हो जाए, स्वयं स्वयं में स्थित हो जाए, स्वयं का ही अवलोकन करना है, अपने ही मन वचन काया की प्रवृत्ति का अवलोकन करना है। मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा से क्षमा मांग सकूं। महाप्राण ध्वनि मस्तिष्क की जागरूकता के लिए, एकाग्रता के लिए, पूरा श्वास बाहर निकालें, खाली कर लें पेट को, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन। भरे श्वास, शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता, शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, सुझाव दें पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, हो जाए। अनुभव करें शरीर की पकड़ छूट रही है, शरीर हल्का होता जा रहा,
हल्का 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 हो रहा, पूरी जागरूकता से शरीर के एक एक अवयव को रिलैक्स करें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। स्वयं के प्रति जागरूक, स्वयं स्वयं का अवलोकन कर, री रिमेम्बर, पुनः स्मृति करें, पीछे लौट कर देखें, कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आपकी आत्मा को मलिन बनाती हैं। अपनी ही प्रवृत्तियों का अवलोकन करें, मन वचन काया की कैसी प्रवृत्तियां हैं, कौन सी आपकी आदतें, कौन से दैनिक कार्य जहां आपके भाव शुद्ध नहीं रहते, आपकी आत्मा मलिन होती, कर्मों का आवरण और गहरा होता चला, उन प्रवृत्तियों को देखें। कहां आपकी आसक्ति हो, कहां आपका राग अधिक हो, कहां आपका द्वेष अधिक, स्वयं से जुड़ी हुई एक एक प्रवृत्ति को देखिए। कहां क्रोध है, कहां अहंकार है, कहां लालच है, कहां छल कपट है, कहां कसाई ही आत्मा से कर्मों को चिपकाते हैं। जितने जितने कसाई हल्के होंगे, कर्मों का बोझ उतना ही कम होता चला जाएगा। जहां जहां राग द्वेष अधिक है, वहीं वहीं कर्मों का आकर्षण अधिक। अपनी ही प्रवृत्तियों का अवलोकन करें और कुछ ऐसे गहरे भाव जहां आपने कुछ अधिक ही दुष्प्रवृत्ति का उपक्रम कर लिए, स्वयं स्वयं से क्षमा मांगी, अपनी आत्मा से क्षमा मांगी। साथ ही साथ संकल्प करें, इस प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति नहीं होगी, स्वयं स्वयं से क्षमा मांगी। अपने कृत कर्मों की आलोचना करें, अपने
मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे द्वारा कृत पाप कर मिथ्या दुष्ट। स्वयं के भीतर निर्मलता का अनुभव कर, पवित्रता का अनुभव। अपने भीतर करुणा, क्षमा, पवित्रता, निर्मलता का अनुभव। हृदय से समस्त जीवों से क्षमा याचना करें। चौरासी लाख जीव योनि से बारंबार कम से कम उस निर्मल हृदय से करुणा से भरे हुए समस्त जीवों को क्षमा दान दें। बारंबार कम बारंबार कम एक केंद्रीय सूक्ष्म जीव उनके प्रति करुणा से भर जाए। अनंत अनंत जीवों का उपकार है हम पर। अनंत अनंत पावर जीवों का उपकार है हम। उनके प्रति घृणा करुणा से भर जाए। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा कर। और आगे बढ़े बेंद्रिय जीव, साग सब्जी चलते फिरते किसी भी बेंद्रिय जीव की जाने अनजाने उनसे हिंसा की हो, अथवा असाधना पहुंचाई हो, तो बारंबार क्षमा याचना। इंद्रिय चतुर इंद्रिय जीव, मक्खी मच्छर अन्य कीट पतंगे और अनेक चतुर इंद्रिय जीव जिन्हें जिनका नाम भी हमें नहीं मालूम, हमारे आस पास चारों ओर अनेक प्रकार के जीव, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, अनजान है, सभी से क्षमा याचना। और आगे पंचेंद्रिय, तिर्यंच, पशु गाय भैंस जिनके दूध का नित्य सेवन करते मैं नहीं मालूम कौन है कौन सी। अनेक अनेक जीवों का उपकार, अनेक अनेक हम औषधियां लेते हैं
उनमें भी जीवों के बहुत सहयोग हो। हमारा ज्ञान बहुत परिपूर्ण, अनंत अनंत जीवों के उपकार से ये जीवन चल रहा है। कुछ सामने है, कुछ परोक्ष है, कुछ प्रत्यक्ष है। समस्त जीवों के प्रति करुणा से भर जाए, उनके उपकार के लिए उन्हें बारंबार कृतज्ञता ज्ञापित करें। सभी को क्षमा दे, क्षमा मांगे। अनंत अनंत जीवों से हमारा संयोग वियोग हुआ, अनंत अनंत जन्मों किस किस प्रकार से समस्त जीवों के प्रति क्षमा याचे, क्षमा दें, क्षमा लें। धीरे धीरे वर्तमान में देखिए, अपने आस पास के मनुष्य, अपने परिवार, समाज, अनेक अनेक मनुष्यों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। सभी को पहले अपने सरल हृदय से, पवित्र और निर्मल हृदय से क्षमा दी। अनुभव करें, मेरे भीतर किसी भी प्रकार का कोई वैर विरोध नहीं, किसी भी जीव के प्रति मेरे भीतर वैर विरोध नहीं। मैंने ही जाने अनजाने, प्रमादवश, अशायवश, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति की होगी। सब सभी मुझे क्षमा करो। मेरे भीतर किसी के प्रति कोई वैर विरोध नहीं, कोई वैर विरोध नहीं। सबके प्रति करुणा और प्रेम। अनुभव करें, भीतर करुणा और प्रेम का सागर लहरा रहा, कण कण रोमांचित है, आनंदित है, करुणा से, प्रेम से भरा हुआ। कल्पना करें, इस संपूर्ण जगत में कोई आपका शत्रु नहीं। इस संपूर्ण जगत में कोई भी आपका शत्रु नहीं। जीवन कितना आनंदित हो, कितना आनंदित। आपके भीतर से निकलने वाला करुणा का स्रोत, प्रेम का स्रोत प्रत्येक जीव तक पहुंच रखा। एक एक जीव आपके प्रति करुणा और प्रेम से भर गया। अनुभव कर, आपके चारों ओर परिवार, समाज, जो कुछ भी, सबकी आंखों में आपके प्रति प्रेम है, विश्वास है, करुणा है। सारा प्रेम करुणा लौट कर आपके पास आ गया। पूरा जगत आनंद से भरा हुआ। चारों ओर केवल करुणा, मैत्री,
और क्षमा। आनंद का अनुभव करें। इस पूरे लोक में केवल करुणा, प्रेम, क्षमा। सारे दुख, सारा डर, सारी दीनता, सारी हीनता, सब कुछ बह गया, समाप्त हो गया। केवल आनंद। कोई शत्रु नहीं, तो कोई भय भी नहीं, कोई डर नहीं। अनुभव करें, जीवन की कैसी भी परिस्थिति आए, सब मेरे मित्र हैं। मैं सभी का मित्र हूं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। वसुधैव कुटुंबकम्। भीतर कोई विकार नहीं, सारे क्लेश, सारा संताप, सब कुछ समाप्त। कण कण में करुणा, प्रेम, क्षमा, शांति, आनंद। संपूर्ण जगत में आनंद ही आनंद, आनंद ही। स्वयं स्वयं से संकल्प करें, स्वयं स्वयं से संकल्प करें। सभी जीवों के लिए मेरा मैत्री भाव हमेशा बना रहेगा। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र। इस संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दे, श्वास के साथ। श्वास लेते हुए सभी मेरे मित्र हैं, श्वास छोड़ते हुए मैं सभी का मित्र। पूरी जागरूकता से 3 बार श्वास के साथ इस संकल्प को दोहराते हुए मानसिक रूप से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र हूं। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र हूं। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र।
दो तीन लंबे श्वास लें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, अपने आनंद को व्यक्त करें। जहां प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, केवल आनंद ही है, केवल शांति। अपने आनंद का अनुभव करें, चेहरे पे मुस्कान मुस्कान मुस्कान। दोनों हाथ जुड़े हुए बैक के पास, चरण सूत्र का उच्चारण सभी मेरे साथ करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहंतों की, सिद्धों की, साधुओं की और केवली प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। बिना शर्त के समर्पण, ऐसा समर्पण जहां सब कुछ मिले, सब कुछ, हम स्वयं सर्वस्व बन जाएं। पूरी भावना से समर्पण करें, परिहं से साधु और केवली प्ररूपित धर्म के प्रति। स्वयं को हल्का, शांत और आनंदित अनुभव करते हुए धीरे धीरे सहज स्थिति में आ जाएं। आंखें खोलें, प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किया, मैत्री और क्षमा की अनुप्रेक्षा का प्रयोग। प्रयोग करने के बाद में कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को? आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे, कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न भी पूछ पाएंगे, तो आप हैंडराइज करेंगे। गजेंद्र मंजू जी, आइए गजेंद्र मंजू जी। जब हमारी हमारे यहाँ प्रायश्चित का विधान है, हम अपनी पूरी भूलों को लेकर गुरुदेव के पास जाते हैं और पूरी बताकर हम प्रायश्चित लेते हैं, उससे हमारे कर्मों का बंधन हल्का होता है, हम निष्ठा से बिल्कुल पालन होता करते है, हैं तो। बिल्कुल होता है। देखिए, प्रवृत्ति जब हमने मन वचन काय से की है तो केवल मन से काम नहीं चलेगा, है ना। मन और वचन कर लिया, काया तो रह ही गई है, तो ठीक बात है। बिल्कुल प्रायश्चित। और देखिए, एक बात और कहना चाहूंगी, एक होता है पश्चाताप, एक होता है प्रायश्चित। पश्चाताप आपने सॉरी कहा, हो गया काम, लेकिन प्रायश्चित का मतलब होता है सॉरी बोला आपने, उसके बाद आपको वहां संकल्प करना पड़ता है कि इस चीज की मैं दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, दैट इज प्रायश्चित। ठीक बात। दूसरी बात मंजू जी, हम प्रतिक्रमण की बात करते हैं ना, हम एक एक जैसे परिपाटी निभा रहे हैं। यहाँ शाम को 6 बज गए, हम प्रतिक्रमण के लिए जाते हैं, करते हैं, बस खाली प्रतिक्रमण किया, मैंने प्रतिक्रमण किया, ऐसे करते हैं, उससे ज्यादा फायदा नहीं लगता मंजू जी। नहीं, देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, बहुत ऐसे लोग भी प्रतिक्रमण करते हैं जिन्होंने कोई व्रत भी नहीं धरा है। क्या क्या प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो बताइए मुझे। हम अगर प्रतिक्रमण करते हैं तो हम दिन भर का अवलोकन करें कि कब मुझे दोष लगा, मैं उसका मिच्छामिदुकरम करूं। अगर ठीक आपकी बात उसके है। प्रति जागरूकता नहीं रही, आपने शब्दों में केवल बोला, तो देखो, देखिए हमने, ठीक है, हमने एक योग शुभ रखा है, लेकिन जो वास्तव में जो हमारा होना चाहिए वो चीज नहीं होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही। ठीक बात। बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। समय संपन्न हो रहा है हमारा, समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का
सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी ने हैंडराइज किया हुआ। अशोक जी, आप अपनी बात रखते हुए स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। यस, अभी अपने बात चली के 12 नियम, अगर वो व्रत लिए हुए होते हैं तो उनके प्रायश्चित के लिए अपने को प्रतिक्मण में प्रायश्चित लेते हैं। लेकिन अपने को 12 व्रत भले धारण नहीं किए, त्याग नहीं किए, लेकिन उसका जो दोष तो अपने को लगता ही है, तो उन दोषों को याद करके अपने प्रतिक्मण में प्रायश्चित करते तो उसका अपन पापों से हल्के हो जाते हैं, ऐसा वो महाराज साहब से अपने समझा था। अभी एक जैसे पद्य एक का, बात मैं कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा दोष लगा है क्या। एक होता है ना, वो तो बस अंधेरे में पत्थर मारा, बिना जागरूकता के जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बिल्कुल आज मान लीजिए सारे दिन में मेरा एक दोष लगा था, मैंने किसी जीव की हिंसा की, प्रतिक्रमण किया, मुझे बात ही नहीं याद आई, जागरूकता ही नहीं रही। तो बिना जागरूकता के देखिए, धर्म इतना सस्ता नहीं है, ये फिर एक नशे की तरह हम करते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत सही की बात नहीं कर रही हूं यहाँ, बट मेरा यही मानना है जहां जागरूकता नहीं वहां धर्म नहीं। जागरूकता में ही आत्मा तक बात पहुंची है, अदरवाइज वो एक मशीन की, यंत्र की तरह काम कर रहे हैं हम, उससे बहुत बड़ी शुद्धि हो जाती है या बदलाव आता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। अशोक जी स्लोगन के साथ समाप्त। मन में एक ही भाव होना चाहिए, जैसे मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता प्रतिदिन जाए, समता सह अस्तित्व सामान्य मन नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, फिटनेस एक घंटा रोज, का डोज, एक घंटा फिटनेस रोज, का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज।